Hello guys, welcome back to the channel, and today we are going to discuss our next topic under the financial administration in India. Lecture 49, इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट के बारे में. आपने बार बार नाम सुना होगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट के बारे में. तो वो क्या होते हैं, क्या उनके प्रोविजन हैं, कैसे पैसा उससे निकाला जाता है, उनके बारे में हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे. सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन. शुरू करते हैं आज का लेक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट. तीन तरीके के गवर्नमेंट अकाउंट होते हैं. फर्स्ट इज कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. ये फंड आपने बार बार सुना होगा, जब हम बजट के बारे में डिस्कस करते हैं तो इस फंड का बहुत बार जिक्र आता है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में के किस आर्टिकल के तहत इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है. आर्टिकल नंबर 266 के अंडर जो है इस फंड को बनाया गया है. इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, गवर्नमेंट जितना भी रिवेन्यू कलेक्ट करती है, रिवेन्यू मीन्स चाहे वो टैक्सेस के थ्रू हो चाहे वो नॉन टैक्सेस के थ्रू हो, ठीक है, प्लस में गवर्नमेंट जितना लोन लेती है, मनी बोरोड, या गवर्नमेंट ने जो लोन दे रखा है उसके ऊपर उसको रिसिप्ट मिल रही है, वो सारी चीज़ें जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट बनती है. इन शॉर्ट, टैक्सेस, नॉन टैक्सेस रिवेन्यू, मनी बोरोड एंड रिसिप्ट फ्रॉम लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया. जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो इसी फंड से किया जाता है, एक्सेप्ट एक्सेप्शनल आइटम्स विच आर मेट फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड और द पब्लिक अकाउंट. कुछ ऐसा है प्रोविजन जो कि मान लो किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए पैसा कंटिजेंसी फंड या पब्लिक अकाउंट से निकाला जाना था, उसके अलावा जितना भी गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है वो मेनली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है. आप इस फंड से कोई भी पैसा नहीं निकाल सकते विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल. सो नो मनी कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम दिस फंड विदाउट द पार्लियामेंट्स अप्रूवल, एंड दैट इज़ वाई बजट को हर साल पार्लियामेंट के सामने रखा जाता है और उसमें सारा का सारा डिस्कस किया जाता है कि कौन सा पैसा किस चीज़ के लिए आपने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकालना है. सिमिलरली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड. हर एक स्टेट के लिए एक अलग से कंसोलिडेटेड फंड बनाया गया है. और जहाँ तक बात है ऑडिटिंग की, तो कैग जो है वो कंसोलिडेटेड फंड को ऑडिट करता है और रिपोर्ट जो लेजिस्लेचर के सामने रखता है. अगर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट की बात करें हम, तो जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट के सामने रखी जाती है, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट के कॉन्टेक्स्ट में जो रिपोर्ट है वो स्टेट लेजिस्लेचर के सामने रखी जाती है. इसके अलावा हम बात करते हैं कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया की. तो नाम से पता चल रहा है कंटिजेंसी मतलब कुछ इमरजेंसी या कुछ ऐसी सिचुएशन जो पहले देखी ना गई हो या पहले प्रिडिक्ट ना की हो, ऐसी सिचुएशन से डील करने के लिए कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया बनाया गया है. सो इट इज़ क्रिएटेड एज एन इम्प्रेस्ड अकाउंट टू मीट सम अर्जेंट और अनफोर्सिन एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट. ये आर्टिकल 267 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, एंड दिस इज़ एट द डिस्पोजल ऑफ द प्रेसिडेंट. आपको अगर कोई पैसा निकालना है कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा पार्लियामेंट का, एंड अमाउंट विड्रॉन इज रिटर्न टू द फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड. आपने मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन एमर्ज हुई जिससे आपको कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया से पैसा निकालना पड़ा, तो आफ्टर आपने वो खर्चा किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपको जो है वो पैसा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से वापस आपको कंटिजेंसी फंड के अंदर वो जमा करना पड़ेगा. नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक अकाउंट की. पब्लिक अकाउंट भी आर्टिकल 266 के अंडर कॉन्स्टिट्यूट किया गया है, ठीक है, और यहाँ पर वो पैसा रखा जाता है जो जहाँ पर गवर्नमेंट इज मेयरली एक्टिंग एज बैंकर, ठीक है. यहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा नहीं होता, वो पैसा है जो है जनता का, गवर्नमेंट के पास रखा है लेकिन गवर्नमेंट को वापस वो जनता को देना पड़ेगा, तो इसलिए पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाऊं, तो मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉई है और उसका मतलब सैलरी में से कुछ हिस्सा जो वो प्रोविडेंट फंड के तौर पर जमा किया जा रहा है, तो जब वो रिटायर हो या उससे पहले जब वो प्रोविडेंट फंड निकालना चाहे, तो वो क्या है, उसका पैसा, प्रोविडेंट फंड का पैसा गवर्नमेंट के पास जमा था, लेकिन वो गवर्नमेंट का था नहीं, गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है, वो उसकी लायबिलिटी है, एसेट नहीं है, ठीक है. अब जब वो चाहिए उस एम्प्लॉय को, आफ्टर सम टाइम गवर्नमेंट को वो पैसा वापस पे करना पड़ेगा, तो वो सारा पैसा जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है वो पब्लिक अकाउंट के अंदर आता है, एंड दे हैव टू बी पेड बैक एट सम टाइम. ओके, तो पार्लियामेंट के अप्रूवल की जरूरत इसीलिए नहीं पड़ती. आई होप आपको तीनों फंड जो है वो क्लियरली समझ में आ गए होंगे. तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं. थैंक यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, एंड आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं. टिल देन टेक केयर.